हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट के बारे में। हिंदी में हम इसको कहते हैं अवस्था सातत्य। तो किसी भी गैस के लिए कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट क्या होता है? तो देखिए, जब किसी गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्जन के दौरान किसी टाइम पर अगर एक ही फेज वहाँ पर प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। अब कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट गैस से लिक्विड कन्वर्जन में भी हो सकता है और लिक्विड से गैस कन्वर्जन में भी हो सकता है, या हम कह सकते हैं जो कन्वर्जन हो रहा है वो कंटिन्यू होना चाहिए, उसमें एक से ज़्यादा फेज प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। अब इनको हम कैसे समझ सकते हैं? तो पहले हम डिस्कस करते हैं इस ग्राफ का ए कर्व। ये ग्राफ है पीवी आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको टी एंड्रयूज ने दिया था। अब देखिए, अगर हम नॉर्मल कन्वर्जन की बात करें तो उसको हम कर्व फर्स्ट से समझ सकते हैं, जो कि ए बी सी और डी से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इस कर्व में अगर हम बी पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ जाते हैं तो गैस का कन्वर्जन लिक्विड में होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो बी से सी पॉइंट के बीच में जो गैस है वो वेपर फॉर्म में भी रहती है और लिक्विड फॉर्म में भी रहती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? बी से सी पॉइंट के बीच में गैस दो फेज में प्रेजेंट है। अब इसी तरह से अगर हम सेकेंड कर्व और थर्ड कर्व के बीच का ये जो एरिया है उसको अगर हम देखें, जिसको मैंने ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया है, तो इस एरिया में जो गैस है वो कन्वर्जन के दौरान दो फेज में प्रेजेंट होती हैं। अब अगर इस एरिया से बाहर देखें तो वो या तो लिक्विड स्टेट में होगी या वो गैस स्टेट में होगी। तो ये जो कन्वर्जन है इसमें कंटिन्यूटी नहीं रहती है। अब बात करते हैं हम कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट की। तो कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट को समझने के लिए यहाँ हम हेल्प लेंगे एक्स वाई और जेड कर्व की। देखिए, अगर हम एक्स पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट पर गैस का वॉल्यूम क्या है? फिक्स है, और यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या रखा गया है? सर्टेन रखा गया है। अब हम चलते हैं एक्स से वाई पॉइंट की ओर। तो देखिए, एक्स से वाई पॉइंट की तरफ हम जाते हैं तो वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, लेकिन एक्स से वाई पॉइंट की तरफ प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब हम देखते हैं वाई से जेड पॉइंट की ओर। अगर हम वाई से जेड पॉइंट में टेम्परेचर को कम कर दें तो उस केस में क्या हो रहा है? तो यहाँ पर वाई से जेड में जो टेम्परेचर है वो रखा गया है 21.1 डिग्री सेल्सियस। अब वाई से जेड की ओर जब हम जाते हैं तो देखिए, वॉल्यूम तो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो प्रेशर है वो क्या आ रहा है? यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है। तो कहने का मतलब है गैस का वॉल्यूम तो टेम्परेचर कम होने के साथ साथ कम हो रहा है, लेकिन उसका प्रेशर क्या रखा गया है? यहाँ पर कांस्टेंट रखा गया है। अब टेम्परेचर जब कम करते हैं तो गैस का वॉल्यूम भी धीरे धीरे कम होता रहता है, और एक कंडीशन पर गैस जो है वो पूरी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, या हम कह सकते हैं जेड पॉइंट पर गैस का कन्वर्जन पूरी तरह से लिक्विड में हो जाता है। अब अगर हम एक्स वाई और जेड कर्व की बात करें तो इस कर्व में जो गैस का लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या ट्रांजिशन हो रहा है, तो उस समय केवल एक ही फेज प्रेजेंट होगा, चाहे हम इस कर्व को किसी भी टाइम पर देखें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, वाई से जेड की ओर जब जाते हैं तो गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर कम होने के साथ साथ धीरे धीरे डिक्रीज होता है। अब इसका रीज़न क्या होता है? जब गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कम करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से उनका जो मोशन है वो भी कम हो जाएगा। तो मोशन कम होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो उनके बीच में वैन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। तो जब सारे मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन फोर्स की वजह से नज़दीक आते हैं तो गैस धीरे धीरे लिक्विड में स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, और जेड पॉइंट पर गैस पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट क्या होगी? तो देखिए, अगर हम बात करें तो x से y और y से z जो गैस का कन्वर्जन है वो क्या हो रहा है? कंटिन्यूस हो रहा है, या हम कह सकते हैं इस कर्व पे
किसी भी टाइम पर गैस हमेशा एक ही फेज में प्रेजेंट होगी। तो इस तरह का जो कन्वर्जन या इस तरह का जो ट्रांजिशन है जो एक फेज में हो और कंटिन्यू हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट या अवस्था सातत्य, जिसको हम एक्स वाई और जेड कर्व से समझ सकते हैं। तो ये हो गया कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट के बारे में।